राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास जो सुमिरत भांगते तुलसी तुलसी दास। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, गोस्वामी जी की पंचशती के संदर्भ से जुड़ा हुआ वह प्रसंग जो दो दिनों से आपके सामने चल रहा है, उसका एक सूत्र है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की आस्था के जो पांच केंद्र हैं, उनकी चर्चा संक्षेप में आपके सामने रखी जाएगी। गोस्वामी जी की आस्था के पहले केंद्र तो गुरुदेव थे, जिन्होंने इतने दीनहीन अभावग्रस्त बालक को आश्रय दिया। गुरुदेव सूकर क्षेत्र में निवास करते थे। प्रसिद्ध है कि उनका नाम संत नरहरिदास था। गोस्वामी जी के दोहे से भी यह तात्पर्य निकाला जाता है, कृपा सिंधु नर रूप हरि। सीधे नाम न लेकर के उन्होंने जो ये शब्द लिखा है, वो मान्यता यही है कि ये स्वयं गोस्वामी जी के गुरुदेव का नाम। तो उनकी आस्था के प्रथम केंद्र जो हैं, वो तो स्वयं नरहरिदास जी महाराज हैं, और फिर अपने शिष्य को जो दो वस्तुएं उन्होंने प्रदान की, उसमें एक तो राम कथा रामायण, जिससे उन्होंने अपने इस अबोध शिष्य को, अपने इस बालक को अनेक बार सुनाया, और गुरुदेव के द्वारा उन्होंने जो रामायण या राम कथा सुनी, वो उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ आलम्बन था। और वे स्वीकार करते हैं कि वह जो उन्होंने सुना था, उसमें वे जितना ग्रहण कर पाए, उसी को उन्होंने भाषाबद्ध करके प्रस्तुत किया। तो गुरुदेव ने एक तो राम कथा, श्री राम का वह रूप जो केवल ऐतिहासिक ही नहीं, ऐतिहासिक भी है, इतिहास में भी श्री राम का अवतरण हुआ त्रेता युग में, और उन्होंने अनेक दिव्य लीलाएं, उनके द्वारा अनेक महानतम कार्य संपन्न हुए, और अंत में रामराज्य की स्थापना के माध्यम से प्रभु ने विश्व ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को सुखी बनाया। आप सुन चुके हैं कि गोस्वामी जी को जिन श्री राम की कथा सुनने को मिली, और हम इतिहास पुरुष के साथ साथ वे निरंतर विद्यमान, इसीलिए उन्होंने उनके जन्म का वर्णन किया, अवतार का वर्णन किया, पर वो प्रजा के सहित अपने धाम में चले गए, ऐसा कोई वाक्य उन्होंने नहीं लिखा। शंकर जी ने उसकी चर्चा ही नहीं चलाई, और उसका मूल तात्पर्य यही था कि वह जो राम है, जो लोक विशेष से आते हैं, विष्णु के अवतार के रूप में वे वैकुंठ लोक से आते हैं या क्षीर सागर से आते हैं, पर शंकर जी ने जिन राम ब्रह्म का वर्णन किया, वो किसी लोक विशेष से नहीं आए। आपने यदि मानस को ध्यान से पढ़ाओ, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब तो रामायण में ही निरंतर श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको वह प्रसंग मिलेगा जहां पर गोस्वामी जी ने एक कल्प में वह कथा राम की बताई, जहां क्षीरशायी विष्णु जो है श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं, और दूसरा कल्प वह है कि जिसमें वैकुंठ में भगवान नारायण के रूप में जो ईश्वर की का एक सगुण अभिव्यक्ति है,
वे राम के रूप में अवतार लेते हैं। तो क्षीरशायी विष्णु वैकुंठ में निवास करने वाले श्रीमन्नारायण, उनका अवतार तो राम के रूप में हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम का जो वर्णन किया वह विष्णु के अवतार है। यद्यपि उन्होंने उसको बहुत विस्तार नहीं दिया, पर वो प्रसंग विशेष में उसका संस्मरण है। पर शंकर जी के आराध्य जो भगवान श्री राम है, उनकी गाथा का संबंध महाराज मनु और शत्रुपा की साधना से, और वहां आप यह पढ़ते हैं कि मनु ने और शत्रुपा जी ने जब साधना तपस्या और जप ध्यान की पराकाष्ठा में उनकी स्थिति ऊपर उठती गई तो उनके सामने ब्रह्मा भी आए, भगवान विष्णु भी आए और शंकर जी भी आए, और उन्होंने उनसे ये कहा कि आप वरदान मांगिए। तो ब्रह्मा स्वाभाविक रूप से ब्रह्मलोक से आए, भगवान विष्णु क्षीरसागर या वैकुंठ से आए और शंकर जी कैलाश पर्वत से आए। लेकिन मनु ने इन तीनों से वरदान मांगना अस्वीकार कर दिया, और एक बार नहीं अनेक बार आए। आप वो प्रसंग में पढ़ते हैं, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए। तब अब जो वहां पर जिन श्री राम की आराधना शंकर जी करते हैं, उनके आराध्य नारायण वह नहीं है जो वैकुंठ में निवास करते हैं, उनके आराध्य वह नहीं है कि जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। वस्तुतः वह आराधना का क्रम सामने आया जब इन्होंने इनसे दर्शन, इनके दर्शन और उनसे वरदान मांगना अस्वीकार कर दिया, तो फिर कोई रूप भगवान का उनके सामने नहीं आया। कृपया आप पूरी एकाग्रता से इस क्रम पर दृष्टि डालेंगे। अभी तक रूप पहले आया था और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा था, पर मनु की साधना की पराकाष्ठा में रूप न आकर के पहले शब्द आया। एक ध्वनि मनु और शत्रुपा के कानों में गूंजने लगी, सुनाई पड़ी, और उस ध्वनि में मनु और शत्रुपा से ये कहा गया कि तुम क्या चाहते हो, तुम अपनी अभिलाषा बताओ। उसके पहले गोस्वामी जी ने लिख दिया कि उस वाणी का एक अनोखा प्रभाव यह हुआ कि हजारों वर्ष की तपस्या थे, तपस्या से उनका शरीर अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गया था, केवल हड्डी हड्डी रह गई थी, लेकिन जब वह स्वर कान में गया तो वो ऐसा शरीर परिवर्तित हुआ कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, तो हृष्ट पुष्ट तनुभय सुहाई। उनका शरीर फिर से हृष्ट पुष्ट हो गया, और उसके साथ साथ ये वाक्य लिखना नहीं बोले कि ऐसा नहीं कि पहले से कुछ अधिक स्वस्थ हो गए, मानो अब ही भवन से आए। उनको देख करके लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी साधना और तपस्या इनके द्वारा हुई है, अब तो लगता था कि जैसे राजा मनु अभी अभी यहां पर आए हुए। इस वाणी के दिव्य प्रभाव के बाद उसका संकेत यह था कि यह मानने की भूल न करना कि तुम्हारे इस शरीर की तपस्या और साधना से प्रसन्न होकर के मैं आ रहा हूं, क्योंकि जब उन्हें दर्शन हुआ तो दर्शन में तपस्वी मनु नहीं, राजा मनु है। तो वो जब वह दर्शन के पहले ध्वनि होती है और पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो उस समय मनु ने जो वाक्य कहा उसमें आप पढ़ते हैं, मृतक जिया मनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हिष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानव अब ही भवन ते आए, श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पाने बोले बचन, प्रीत न हृदय समात। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर वंदित पदरेनु, और क्या किसका दर्शन चाहते हो, तो जो स्वरूप बस शिव मन माए, मैं उस रूप का साक्षात
उस स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहता हूं कि जो भगवान शिव के मन में निवास करता है। यहां पर कक्षा है, एक भगवान का स्वरूप है और एक भगवान का रूप है। तो स्वरूप और रूप का अंतर तो आप समझ सकते हैं, रूप तो दोनों ही है। तो स्वरूप का अर्थ है भगवान का जो अपना रूप, और रूप का तात्पर्य है कि भक्त जैसा उन्हें देखना चाहता है। भगवान स्वतः एक रूप स्वरूप, और वह स्वरूप एक और उसके अंतराल में बैठ करके देखे तो ये निर्गुण निराकार तत्व की ओर संकेत। यह जो स्वरूप है यही भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए जैसा रूप भक्त चाहता है वैसा रूप वे प्रदर्शित कर देते। तो उन्होंने दोनों को जोड़ करके ये वाक्य कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन वाही, जी कारण मुनि जतन कराही, जो भूषुंडी मन मानस हंसा। तुम किसके विषय में कह रहे हो? आकाश में ध्वनि तो नहीं गुरुजी पर लगा कि प्रश्न था, तो उनका सगुण अगुण। तुम निर्गुण निराकार का साक्षात्कार चाहते हो कि सगुण साकार का? तो उन्होंने कहा कि वो सगुण भी है और अगुण भी। सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा देखही, हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करब प्रण चा प्रण तारति मोचन। जो ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों है, भगवान शिव के अंतःकरण में मन में जो स्वरूप निवास करता है, भुसुंडी जी जिसके के मन का जो हंस, मन मानस का जो हंस है, मुनि जिसकी आराधना करते हैं, उसका मैं नेत्रों से दर्शन करना चाहता हूं। और तब सामने एक आकृति आई, एक रूप आया, किंतु कहां से आया? चीर सागर से कि वैकुंठ से? तो गोस्वामी जी वहां स्पष्ट कर देते हैं कि यह जो श्री राम आए न तो क्षीर सागर से आए न तो वैकुंठ से आए। कहां से आए? और तब वह वाक्य आपको मिलेगा कि वस्तुतः भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। वो भगवान केवल लोक में ही नहीं रहते, वो तो विश्ववास है, सर्वत्र निवास करते हैं। और वह जो विश्ववास भगवान है वो आए नहीं प्रकट हुए, लोक से रहते तो आते, और जब सर्वत्र थे तो आना तो था ही नहीं, केवल अभी तक दिखाई नहीं देते थे, अब दिखाई देने लगे। और जब वह दिखाई देते हैं, यह प्रसंग बड़ा दार्शनिक और तात्विक है, उसमें अगुण सगुण के क्रम का संकेत। अभी तक जो ईश्वर के रूप आए थे वे सगुण थे, अब यह जो अगुण सगुण के रूप में दिखाई देता है, पर वो अगुण सगुण के रूप में जो दिखाई दिया वो अकेला नहीं था। कौन था? उनके सामने मनु और सुतरूपा के सामने दो आकृतियां प्रकट हो गई, एक तो है श्री राम और दूसरी है श्री सीता जी। अब उनको देख करके वहां जो वाक्य भगवान राम ने कहा वो बड़े बात तो कहा, दर्शन वे करना चाहते थे ब्रह्म का, तो ब्रह्म तो एक है, तो श्री राम एक ही रूप में प्रकट हो जाते। पर जब वे सीता जी को भी लेकर के आए तो उसके पीछे एक दार्शनिक संकेत कि अगर ईश्वर निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है तो ठीक है, लोक में निवास करते हैं, भक्त प्रार्थना करता है और भगवान उस लोक से आ जाते हैं। पर जब निर्गुण निराकार आकृति ग्रहण करेगा तो कैसे करेगा, उसकी क्या पद्धति होगी? और तो वहां दार्शनिक संकेत यह है कि एक तो वस्तु है और दूसरी वस्तु न होते हुए भी एक चतुर जादूगर, जैसे उसके पास ऐसी कला हो, चाहे उसके पास ऐसी कोई अनोखी शक्ति हो कि जिसके द्वारा जो असंभव सी प्रतीत होने वाली वस्तु है उसको संभव करके वो दिखला दे। और इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आप एक आम का वृक्ष लगावे, धीरे उसमें जल डाले, वो बढ़े बौर लगे और उसमें आम का फल आवे तो प्रकृति का क्रम है। पर अगर एक जादूगर अपने झोली से एक आम का गुड़ की गुठली निकाल करके रख दे, वो आपके सामने ही बड़ा हो जाए, ऐसे जादूगरों का वर्णन
इतिहास के संदर्भ में किया है, और वृक्ष बड़ा होकर के और उसमें मीठा फल भी लग गया। तो अब ये जो वृक्ष और फल है ये वस्तुतः प्रकृति का स्वरूप नहीं, अभी तो मानो जादूगर की वह कला है कि जिसके द्वारा वह आम और आम के फल को इस प्रकार से दिखा देता है कि देखने वाला चमत्कृत होकर के सोचता है कि क्या एक ही क्षण में वृक्ष बढ़ करके उसमें फल का निकल सकता है क्या। यह तो साधारण जादूगरों की बात है, पर जब निर्गुण निराकार को सगुण साकार होना होगा तो कैसे होगा? उसका उसकी आकृति है नहीं, उसका रूप है नहीं, और लोगों के सामने वो विश्ववास तो है पर उसको जन्म लेना होगा अयोध्या में, वो काल से परे है लेकिन उसको एक तिथि में जन्म लेना होगा, कहो सर्व व्यापक होते हुए भी उसके जीवन में घटनाएं घटित होंगी, कभी वो रोएगा, कहीं हंसेगा, कभी जीतेगा, कभी हारेगा, कभी बंधेगा, तो ये तो बड़ी कठिनाई आ गई। इसीलिए एक सिद्धांत तो वह है जिसका प्रतिपादन भगवान कृष्ण ने गीता में किया कि ये निर्गुण और सगुण में निर्गुण कठिन है, अव्यक्तम ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते, जो देहधारी व्यक्ति है उसके लिए निर्गुण की कल्पना करना कठिन। पर भुसुंडी जी ने इसको दूसरे रूप में कहा, उन्होंने कहा निर्गुण तो बड़ा सरल है, सगुण बहुत कठिन। ये क्या बात हुई? एक दृष्टि से ये न समझ लीजिएगा कि उन्होंने भगवान की बात काट दिया, वो तो दो दृष्टि है। एक दृष्टि से देखें तो निर्गुण जो है कठिन है और सगुण को समझना सरल है, तो ये तो स्पष्ट ही दिखाई देता है। कोई चित्र आपके सामने भगवान का होता है तो आप बड़े आनंदित हो जाते हैं, मूर्ति भगवान की होती है तो आप प्रणाम करते हैं, निर्गुण कह दिया जाए, अरूप कह दिया जाए तो आपके सामने तो बड़ी कठिनाई होगी। पर भुसुंडी जी कहते हैं कि वह निर्गुण जो स्वरूप है उसको व्यक्ति बुद्धि से भले ही ग्रहण कर ले, लेकिन जब वो निर्गुण सगुण बनेगा तो भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने ही कोई, सगुण अगुण नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होवे। जो ही वो मनुष्य बनेगा और उसके जीवन में घटनाएं घटित होंगी तो बड़े बड़े मुनियों को भी भ्रम होता है। ब्रह्म आनंद में है यह तो बुद्धि से व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन वो जो अयोध्या में कौशल्या जी की प्रार्थना पर रोना प्रारंभ कर देता है, रोदन सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, उसके लिए तो समझना बड़ा कठिन। जो ब्रह्म कभी परास्त नहीं होता वह तो समझना सरल है, लेकिन अगर लंका में वो नागपाश में बन जाए, स्वयं अपने को छुड़ा न सके, तो वो तो तर्क संगत नहीं लगता। अब ये जो निर्गुण से सगुण होना है, निर्गुण बुद्धिगम्य है, बुद्धि से हम थोड़ी तर्क से उसको समझने की चेष्टा कर सकते हैं, पर जो ही वो सगुण बनकर के लीलाएं करेगा त्यों ही भ्रम की घटनाएं प्रारंभ हो जाएंगी, और जो भ्रम की घटनाएं प्रारंभ हो जाएंगी तब कैसे समझाया जाए। गीता में भगवान कृष्ण ने उसको निरूपित किया है और रामायण में उसके लिए एक शब्द कहा गया है। थोड़ा प्रसंग जटिल तो है, तो बहुत जो अभ्यस्त है अधिक सुविधा से शायद उनको थोड़ा कष्ट हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप सुने तो आप उसको सही अर्थों में उसका रस ले सकते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि यह जो निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म है, तो अव्यक्त है तो रूप कहां से आवेगा, शब्द कहां से आवेगा, घटनाएं कहां से होंगी, चरित्र कैसे होगा? तो इसके लिए एक शब्द चुना गया है, और इसीलिए भगवान राम सीता जी के साथ आए। क्यों? आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें यह वाक्य आता है कि श्री राम मनुष्य के रूप में मनुष्य बन जाते हैं कि मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं, तो शब्द आता है और मैं तो मुझसे वंदना जो होती है उसमें आप सुनते होंगे माया मनुष्यम हरिम। वह जो ब्रह्म है माया साधारण जादूगर जैसे जादूगरी से वह कार्य दिखला देता है जो असंभव लगता है, और जब उस ईश्वर के सामने ये समस्या आई
तो वो तो उसको भी जादूगरी का आश्रय लेना पड़ा। और वो जादूगरी क्या है, उसका नाम संस्कृत में माया। यह जो माया है भगवान श्री राम जानते हैं। अब वो अभी तो नाम नहीं था उनका और रूप भी उनका नहीं था, पर उनके सामने जब रूप आया तो उसके साथ साथ मनु की कामना भी प्रकट हो गई। तो भगवान मानो एक से दो, जो अद्वितीय ब्रह्म है वह इस समय दो रूपों में दर्शन दे रहा है। मनु ने जब दो रूपों को देखा तो देखने के बाद स्वाभाविक रूप से ध्यान गया कि यह दिव्य देवी कौन है। तो भगवान श्री राम ने परिचय देते हुए कहा, माम भाग सोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। और तब भगवान ने मनु से परिचय देते हुए कहा, आदि शक्ति यही जग उपजाया। अध्यात्म रामायण अगर आपने पढ़ा हो, संस्कृत में एक ग्रंथ बड़ा सुंदर है, उसमें सीता जी कहती हैं, जो लोग ये समझते हैं कि श्री राम ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं, करने वाली तो मैं हूं, श्री राम तो वह ब्रह्म है कि जो स्वयं स्वप्रकाश रूप में है, मानो शक्ति उनको कह लीजिए अथवा उनको माया कह लीजिए, भगवान राम ने उनका परिचय दोनों नामों से दिया। भगवान राम कहते हैं आदि शक्ति जी जरूर उपजाया। लोग समझते हैं कि संसार मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया, कहिए बनाने वाली है, कैसे बनाया उन्होंने, किस वस्तु से बनाया। और तब भगवान का वाक्य है, आदि शक्ति जी जग उपजाया सो अवतरी मोरी यह माया। और इसका अर्थ है कि विनका आश्रय लिए बिना मैं इस खेल को करने में सक्षम ही नहीं सकता कि आज अव्यक्त साकार बने, रूप ग्रहण करे, रूप में लीलाओं को स्वीकार करे। इसलिए आप मानस में पढ़ते हैं माया मनुष्य मरिम, भगवान संभुवात्म माया भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में भी और गीता में भी। इसका संकेत है कि मैं अपनी माया शक्ति के द्वारा अवतार लेता हूं। और उसका मूल तात्पर्य है कि आज बिना जन्म के भी जन्म, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कौशल्या जी के गर्भ में श्री राम आ गए तो आश्चर्य हुआ। अगर वो विश्ववास थे तो क्या गर्भ में नहीं थे क्या जो आ गए? अगर वो विश्ववास है, सर्वत्र निवास करते हैं, तो कौशल्या जी के उदर में सर्वव्यापी है तो वहां भी थे। इसलिए गोस्वामी जी को उस शब्द का प्रयोग करना पड़ा जो रामायण का सैद्धांतिक पक्ष है। क्या भगवान भले ही सर्वव्यापक है लेकिन शब्द लिखना पड़ा उनको, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मा राज ही सबरानी शोभा शील तेज की खानी। और तब वो स्वामी जी ने शब्द लिखा, भगवान आए नहीं, जन्म नहीं हुआ, अपित जो अभी नहीं दिखाई दे रहा था अब वह दिखाई देने लगा। तो भक्त साधना का उद्देश्य है कि भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ऐसे बड़े जादूगर है कि माया शक्ति का सहारा लेकर के सब कुछ वो दिखा देते हैं जो भक्त देखना चाहता है, भक्त को आनंदित करते हैं। और इसीलिए आप जो है सीता जी को साथ में लेकर के नहीं आए, अपितु मन को परिचय दिया यह मेरी माया। यह तो मानो एक तात्विक पक्ष था। और उसका विरोध भरा पक्ष यह है कि अब प्रभु तो भक्त के भाव से अरूप जो था रूप ग्रहण कर चुका है, और वरदान मांगने के लिए अंतर्यामी भगवान यह जानते हैं कि मनु क्या मांगेंगे। मनु भगवान को पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, तो पुत्र रूप में पाना चाहते हैं तो सीता जी को लाने का एक विशेष विनोदात्मक तात्पर्य यह था कि अब तो तुम मुझे पुत्र बनाना चाहोगे और पुत्र भी मैं बन करके आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि पुत्र के बाद धीरे धीरे जब मेरी आयु बढ़ेगी तो तुम्हें लगेगा कि अब बालक बड़ा हो गया, तो तुम्हें मेरे विवाह की चिंता होगी और तब वो चिंता करोगे कि अपने पुत्र के योग्य वधु मैं कहां से लाऊं, तो मैं स्वयं लिए आ रहा हूं जिससे तुम्हें खोजने का परिश्रम न करना पड़े, क्योंकि मेरे समान यदि मैं हूं तो वो मेरे योग्य कोई संसार में वधु तो मिलेगी नहीं,
तो मैं माया शक्ति को ही लेकर के वधु के रूप में मैं आऊंगा और आपकी भावनाओं को पूर्ण करूंगा। इसलिए सीता जी का जो जन्म है, उनकी लीलाएं हैं, उसमें इस माया का ही संकेत मिलेगा। कोई गर्भ से जन्म ले तो समझ में आता है, पृथ्वी से जन्म ले ले तो ये तो जरूरी हो सकता है। इसलिए जो महामाया जन्म लेंगी तो पृथ्वी से लेंगी, और अग्नि में व्यक्ति जाए तो जल जाएगा, पर जो अग्नि में निवास कर ले, अग्नि से प्रकट हो जाए, यही माया शब्द का, माया शक्ति का अलौकिक चमत्कार है। और इन्हीं सीता जी का आश्रय लेकर के कमान हुआ जो ब्रह्म है, जब निर्गुण से सगुण बनता है तो सगुण बनने के पश्चात लीला का विस्तार करता है, और लीला का विस्तार करने के बाद जब वो लीला समेटने चलता है, वो तो जैसे नाटक के मंच पर जादूगर नाटक दिखला रहे, खेल दिखला रहे और अंत में समेट ले, इसी प्रकार से भगवान वहां आद्या शक्ति भगवती महामाया सीता का आश्रय लेकर के लीला प्रस्तुत करते हैं, और वो लीला जब उनकी इच्छा होती है तो वो समेट लेते हैं। इसलिए अब यह जो श्री राम है, जो शिव की आराध्य है, वो न तो नारायण है और न तो विष्णु है। उनका आराध्य तो वह ब्रह्म है जो निर्गुण निराकार है, अव्यक्त है, लेकिन भक्तों की भावना पूर्ण करने के लिए व्यक्त होता है। और इसलिए जो अपने धाम में प्रजा को लेकर के गए, उनका धाम था, जिनका जो अगर वैकुंठ लोक से भगवान आए थे तो प्रजा को लेकर वैकुंठ लोक में गए, अगर क्षीर सागर से भगवान आए थे तो सारे भक्तों को लेकर के क्षीर सागर में गए, और जो प्रकट हुआ था वो कहीं गया नहीं, वो है और बड़ा आनंद है। अब चले गए होते तो याद कर लेते कि भाई हाँ कभी हुए थे श्री राम और उन्होंने ऐसा ऐसा किया था। अब जो कहते अभी है, गोस्वामी जी का जीवन इसी का परम प्रमाण है। गोस्वामी जी ने चित्रकूट में भगवान श्री राम का दर्शन किया, या अपने उनके जीवन ग्रंथों में पढ़ा होगा। हो सकता है बहुत सी बातें प्रचलित हो जाती है, वास्तविक नहीं होती, पर दर्शन की बात गोस्वामी जी ने स्वयं स्वीकार किया विनय पत्रिका में। उन्होंने जब भी कभी कोई ऐसा क्षण आता है गोस्वामी जी के जीवन में, जब कोई ऐसी घटना हो जाती है जो विचित्र सी प्रतीत होती है, जो बुद्धि से संगत नहीं होती, तब गोस्वामी जी अपने आप को समझाने लगते हैं, और वो अपने चित्र से कहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा विनय पत्रिका में, तुलसी तो को कृपाल जो कियो कौशल पाल, चित्रकूट को चरित्र चेत चित करिस। अरे तुलसीदास, तेरे लिए प्रभु ने जो चित्रकूट में दिव्य दर्शन की लीला की तो उसकी याद कर रहे कि वे कितने कृपालु। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अब वह जो श्री राम है, वो काल विशेष में अगर वो होते तो इतिहास में तो जब वो अयोध्या चले गए तो भी चित्रकूट में नहीं थे, और जब गोस्वामी जी श्री राम का दर्शन करते हैं चित्रकूट में, और दर्शन के पीछे जो गाथा है वो कितनी मनोरम है, उस गर्थन दर्शन की क्या युक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी ने इसके जो दो तीन संकेत किए, आइए थोड़ा तत्व से भाव में चरित्र की बात करें, जिससे कई लोगों को ये न लगे कि ये तो सिर से ऊपर वाली बात हो गई। कई लोग कहते हैं कि आज की कथा तो सिर से ऊपर निकल गई, वो सिर से ऊपर निकलना भी अच्छा ही है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि गोस्वामी जी जिन राम को चित्रकूट में देखते हैं, और आप विनय पत्रिका में पढ़ते हैं कि गोस्वामी जी अपने विनय पत्रिका के रूप में प्रभु के नाम से जो उन्होंने पत्र लिखा वो लेकर के प्रभु की सभा में गए, और प्रभु की सभा में पहुंचने के पहले उन्होंने अपनी सिफारिश के लिए लोगों को चुन लिया था, कह दिया कि आज मैं पत्र, किसी ने कहा पत्र क्यों लिख रहे हैं, जब प्रभु की सभा में चलेंगे तो आप जो कहना हो कह दीजिएगा, बोले कहने में संकोच लगता है, सभा में पूरी बात कही नहीं जा सकती, जितने हृदय की बात है मैं पत्र में लिखूंगा, लेकिन पत्र प्रभु के सामने रखेगा क्यों कौन। तो उस समय हनुमान जी से प्रार्थना किया, भरत जी से प्रार्थना किया, उन दोनों को थोड़ा संकोच लगता है, पर दोनों ने तुलसीदास जी से कहा कि लक्ष्मण जी को पकड़ो, इस काम के लिए वो उपयुक्त है, क्यों
दोनों तो संकोच करते हैं, उनको तो प्रभु से कुछ कहने और बोलने में संकोच नहीं, बस उन्हीं से कहना चाहिए। तो लक्ष्मण जी से तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज आप मेरा पत्र प्रभु के हाथ में दे देंगे? दे देंगे। लक्ष्मण जी के प्रति गोस्वामी जी की बड़ी आस्था है, लक्ष्मण जी के द्वारा ही वो पत्र जो है दिया जाएगा। कल सभा में यह निर्णय हुआ और उसके बाद थोड़ा घबराए हुए, लक्ष्मण जी पत्र तो दे देंगे पर समर्थन करने वाला? तो भरत जी लक्ष्मण जी समर्थन करेंगे ये तो बोला ही रहा है, पर और भी दृढ़ करने के लिए आप महल में चले गए, श्री किशोर जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि आपसे मैं एक निवेदन करने आया हूं। क्या? प्रभु तो दिन भर राजकार्य में व्यस्त रहेंगे, पर व्यस्त रहने के बाद रात्रि के समय में तो अवश्य महल में पधारेंगे, और जब बिल्कुल एकांत हो तो आप मेरे संबंध में थोड़ी चर्चा चला दीजिएगा, जिससे जब कल पत्र मैं दूं तो पहले से समर्थन को मिला रहे और फिर विधि बता रहे। तुलसीदास जी जो पद विनय पत्रिका में लिखते हैं उसमें प्रार्थना करते हुए कहते हैं कबहु का अम्ब अवसर पाए मेरी ओ सुधि ध्याई भी। अब ये भक्त शास्त्र के शब्द है और उसका अभिप्राय है ब्रह्म अज से जन्म लेने वाला। यह सब के संदर्भ से एक शब्द जुड़ा हुआ है कि अगर भगवान है तो उस समय वह प्रसंग आपके ध्यान में आना चाहिए जहां श्री सीता जी ने हनुमान जी को उलाहना देते हुए कहा कि मेरे प्रियतम तो बड़े कोमल स्वभाव के थे, हनुमान ये तो बताओ कि वो कठोर कब से हो गए? नहीं नहीं मां, आपके प्रेम में तो वे इतने विभोर है कि मैं कह सकता हूं कि आप उनसे जितना प्रेम करती हैं आपसे वे दूना प्रेम करते। जननी जनी ये मानस ऊना तुमते प्रेम राम के दूना। मां ने कहा कि ये बात तो सही नहीं लग रही, अगर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं तो असमर्थ तो नहीं है वो, समर्थ प्रभु प्रेम करें। और लंका में मैं कष्ट पाती रहूं तो या तो सामर्थ्य नहीं है या प्रेम नहीं है। प्रेम है तो उनको व्याकुल होना चाहिए, समर्थ होने से रावण का वध के मुझे ले चलना चाहिए। तुम एक और तो कहते हो बहुत प्रेम करते हैं दूना प्रेम करते हैं, और 10 महीने से इतना कष्ट में लंका में पा रही हूं, अगर नहीं आए तो क्या कारण है? हनुमान जी ने एक शब्द कह दिया। शब्द क्या था? हनुमान जी ने कहा मां एक ही कारण है। क्या कारण है? बोले प्रभु ने अगर आपकी सुधि पा लिया होता तो करते नहीं विलंब रघुराज, प्रभु को आपकी सुधि नहीं मिली इसलिए विलंब हो रहा। अभी तो शब्द पहली हो गया, पहली मैंने सर्वज्ञ ईश्वर को क्या ये पता नहीं है कि ये सब लीला उनकी रची हुई है, और भौतिक इतिहास में क्या गिरिराज से पता नहीं चल चुका है कि रावण हरण करके ले गया, और उसके बाद हनुमान जी जब ये कह दे कि अगर प्रभु ने सुधि पाया होता तो विलंब न करते, तो इसका तात्पर्य क्या है? ये शुद्ध शब्द जो है साधारण अर्थ वाला नहीं, ईश्वर की सर्व समर्थ ईश्वर, सर्व व्यापक ईश्वर, हृदय में बैठा हुआ ईश्वर, और हम और आप दिन रात पुकारते रहते हैं, क्या वो बहरा है? क्या उसको सुनाई नहीं देता है? क्या इसको लेकर कवि आदमी ने तो व्यंगात्मक दोहा लिख दिया, खैर उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। पर इसका अभिप्राय है कि वहां पर मूल सूत्र यह है कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक के रूप में है अगर उससे कोई कार्य लेना है तो एक शब्द जोड़ना होगा, उसका नाम है सुधि। और ये सुधि शब्द का अर्थ ये है कि सचमुच ब्रह्म में द्रवता का उदय हो, कोमलता का उदय हो, करुणा का उदय हो। जो ब्रह्म हृदय में निवास करता है वो कोमल नहीं है, वो करुणा से द्रवित नहीं होता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो द्रवित होता तो संसार में कितनी भयानक घटनाएं हो जाती,
एक से एक बयान घटना होती है, पढ़ करके व्यक्ति घबरा जाता है, पर वह हृदय में या सर्वत्र बैठा हुआ ईश्वर क्यों नहीं उस पर हस्तक्षेप करता, क्यों नहीं वह बचाता, क्यों नहीं वह उस घटनाओं को रोकता। और तब इस पर विचार करके मातृ तत्वित महान पुरुषों ने कहा कि वह ब्रह्म जो है वो तो सर्वत्र होते हुए भी, भगवान शंकर ने एक शब्द का प्रयोग किया, अग जग में सब रहित विरागी, सब में रहते हुए भी वो विरागी है। वो मानो सब रहित विरागी है और विरागी होने से होते हुए भी उसका कोई प्रभाव नहीं। और तब सुधी माने उस विरागी ब्रह्म को ऐसा कोई सुनाने वाला हो कि जो रागी बना दे। जब वो रागी बनेगा करुणा उदित होगी तो आपकी समस्या का समाधान करेगा, नहीं तो कहां वो हस्तक्षेप करता है। यही सुधी दिलाने की जो भूमिका है बड़ी कठिन है। कैसे लिए ये प्रार्थना आप करते हैं, ब्रह्मा ने प्रार्थना किया तो वो शब्द यही तो आप पाते हैं। ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं अंत में द्रवोस श्री भगवान, जो न पिघलने वाला ब्रह्म है वो हमारे काम का नहीं, आप जरा पिघलिए तो द्रवित तो होइए। हम अपने जीवन की हम पृथ्वी में घटनाएं घटित होती हैं घबरा जाते, वो नहीं देखता क्या। एक ग्रंथ एक बार मुझे किसी ने दे दिया मेरे बाबा का, कुछ वर्ष पहले, आप में से जो बड़ी अवस्था के होंगे जानते होंगे, पुनाद में एक प्रसिद्ध संत रहते थे मेरे बाबा, और उनके भक्त बहुत बड़ी संख्या में थे, अब भी थे। तो वो अपने को ईश्वर मानते थे, भक्त लोग वेदांत में भी ब्रह्म के रूप में, और वो अपने आप को ईश्वर मानते थे। किसी उनके भक्त ने मुझे एक पुस्तक दे दिया, वे प्रेमी थे और ग्रंथ मोटा था मुझसे, उनका एक बार पढ़ तो लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूं क्या है। तो एक वाक्य पढ़ करके मुझे इतनी हंसी आई, उसमें उन्होंने लिखा कि इस संसार को बना करके मैंने इतनी मूर्खता की है कि अब भविष्य में संसार नहीं बनाऊंगा। बहुत हंसी आई, मैंने उनको संसार की उलझनों को देख करके लगा, मनाने वाला अपने वो मानते थे, उनको लगता था कि इसको बना के शायद मैंने कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया, और उनको यही सुझा कि ये कहे कि अच्छा आप बना दिया तो बना ही दिया, पर इसके बाद अब नहीं बनाऊंगा। तो खैर ये तो एक प्रकार की उनकी मानसिकता की बात, उसका खंडन मंडन करने की आवश्यकता नहीं। तो उस वाक्य में सार इतना ही है कि कभी कभी संसार को देख करके ईश्वर की महिमा के साथ साथ यह भी लगने लगता है, अगर इतना व्यवस्था रहित संसार उस ईश्वर ने बनाया तो किसी काम का नहीं, इतनी विपरीतता क्यों, इतने अन्याय क्यों, कष्ट क्यों, पीड़ा क्यों, ऐसे अनेक क्यों प्रश्न सामने आते। भक्तों ने इसका यह कर करके समाधान किया, और यही संवाद मानो संवाद सूत्र तो यह है कि उस ब्रह्म को शुद्ध दिलाने वाला जो ईश्वर सर्वत्र है, या जो ब्रह्म सर्वत्र होते हुए भी जैसे लगता है कि नित्य आप स्तोत्र का पाठ करते हैं, बड़े प्रेम से करते हैं, उत्साह से करते हैं, तो लगता है पता नहीं उसने सुना कि नहीं सुना। यद्यपि संतों ने आश्वासन दे दिया कि अच्छा भाई बोलते ही रहो, बोले कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, अब कहते जाओ कभी तो उनके कान में सुनाई पड़ेगा। मानो नहीं सुनाई पड़ता ऐसा उस भक्त को भी लगता है, पर कहते हैं कि बोलते जाओ तो कहां तक नहीं सुनेगा, कभी तो सुनाई देगा। पर यह हनुमान जी ने उस जिस शब्द का प्रयोग किया वह शब्द होता है जो रघुवीर हो तो सुधी पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर उनको सुधी मिली होती, और इसका अभिप्राय यह है शुद्ध माने केवल शब्द नहीं, कहने वाले के हृदय में इतनी प्रीति हो, इतनी व्याकुलता हो, इतनी करुणा हो कि वह प्रीति व्याकुलता और करुणा ईश्वर के हृदय में भी बैठ जाए, बड़ा कठिन कार्य है। नित्य करने पर भी लगता है उसमें हृदय में यह करुणा व्याकुलता द्रवता नहीं है, और रामायण में दिखाई भी देता है। एक दिन हनुमान जी ने सीता जी की स्तुति प्रभु को सुनाया, लौट करके आए तो प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि सीता जी लंका में कैसे हैं जरा मुझे सुनाओ, ईश्वर को सुनाना पड़ेगा।
भगवान हम नहीं जानते हैं कि कहाँ है कैसे है, पर हनुमान जी से जब उन्होंने कहा कि सुनाओ, तो हनुमान जी ने तुरंत कहा क्या, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति तो इतनी विशाल है कि उसे न कहने अच्छा, मानो उलाहना भी था। शब्द का है दीन दयाल, सीता जी की विपत्ति नहीं सुनाना ही अच्छा है। क्या तात्पर्य था, मानो उलाहना ये था कि दीन दयाल जब मैं सीता जी की विपत्ति सुनाने लगूंगा तो ये जितने बंदर है उनकी आस्था आप पर मिट जाएगी। सोचेंगे दीन दयाल जब अपनी पत्नी के हाथ दुख नहीं दूर कर पाए तो हमारा क्या दुख दूर करेंगे, इसलिए न सुनिए तो ही अच्छा है। कितने दिन हुए, 10 ही महीने। अब ईश्वर की या तो घड़ी नहीं है, और घड़ी भी है तो उसमें 10 महीने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु की शिव की घड़ी में ही हम लोगों के घड़ी का कोई अर्थ नहीं है। जब कहते हैं कि चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता, और इस तरह से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, और जब ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो उसके पश्चात शंकर जी के लिए कहा गया कि शंकर जी का एक पल होता। अब भला शंकर जी के एक पल में ही हम लोग कहेंगे 2 दिन 4 दिन महीना बरस 1000 वर्ष कोई घड़ी में दिखाई नहीं देगा। तो वस्तुतः ईश्वर के उस अनंत क्रम में तो कोई महत्व नहीं है, काल का, देश का कोई महत्व नहीं। हम समझ सकते हैं कि अरे हम इस नगर में रहते हैं, ये महानगर है, पर उसके इस आकाश में तो आपका ये आपकी पृथ्वी महानगर नहीं है, तो कलकत्ता महानगर कहां से होगा। आप जानते हैं आकाश में का ग्रह नक्षत्रों के विषय में आप विज्ञान की पुस्तकों में पढ़िए तो पढ़ करके लगता है कि पृथ्वी कितनी छोटी है। अब उस अनंत आकाश में यह नन्ही सी पृथ्वी, उसकी घड़ी, उसका काल, उसकी व्याकुलता, वो तो कहीं उसकी घड़ी में उसका चिन्ह भी नहीं मिलेगा। तो अब भक्तों ने एक नई भाषा बनाई, उन्होंने कहा महाराज काल के उस मापदंड से तो व्यक्ति बेचारा आपकी दया कभी नहीं पा सकता। अब वो कोई व्यक्ति अगर 100 वर्ष साधना करता रहे और सोचे अरे 100 वर्ष मैंने व्यतीत कर दिए, तो उसके लिए 100 वर्ष मात्र तो क्या है, वो तो 100 वर्ष भी नहीं करता। लेकिन भगवान कृष्ण तो मेरा संकोच के कह देते हैं अनेक जन्म संसिद्धिस्त तो याति परंगति, कोई चिंता नहीं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में अगले जन्म में। तो वो जन्म का जो मापदंड है वो ईश्वर के लिए कोई अर्थ नहीं, मृत्यु का जो मापदंड है उसके मापदंड में कोई मृत्यु का अर्थ नहीं। मानो काल जो है उस काल के उस विशाल परिधि में न तो व्यक्ति का देश है, न व्यक्ति का काल है, न व्यक्ति का व्यक्तित्व, तो थोड़ी निराशा होना स्वाभाविक है। और तब इसीलिए भक्तों ने जब ये कहा कि अवतार लेकर के पृथ्वी पर आइए, तो उसका अर्थ क्या था, वहां आप अपनी घड़ी से देखते होंगे, अब यहां हमारी घड़ी से तो देखना सीख लीजिए, हमारी समस्याओं को हमारे पास आकर के देखिए हम कैसे हैं, किस रूप में हैं। अब भगवान राम तो 13,000 वर्ष केवल पृथ्वी पर विराजमान थे इतिहास के संदर्भ में, और यहां प्रभु ने पूछा हनुमान सीता जी लंका में कितने दिनों से हैं, तो काल के क्रम में तो 10 महीने से है। हनुमान जी ने 10 महीने का नाम नहीं लिया कि 10 महीने हो गए बहुत देर हो गए, वहां 10 महीने का कोई अर्थ। हनुमान जी ने जो भक्तों की भाषा थी, प्रभु इस काल के मापदंड से नहीं, श्री किशोरी जी के हृदय में जो व्याकुलता है उसके मापदंड से आप सोचिए क्या है। निमिष निमिष करुणा निधि जान कल्प संबीत, जिसको कल्प कहते हैं ब्रह्मा की एक आयु का कल्प, बोले सीता जी के एक एक निमेश में एक कल्प व्यतीत हो रहा है। और उलाना भी था कि भक्तों ने तो घोषणा कर दिया कि अब प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हैं, 10 महीने में कितने कल्प हो गए जरा इसका भी तो गणित कर लीजिए। ओ आपने छोटी गाथा सुनी होगी कि दोस्त व्यक्ति साधना करने बैठे, एक इमली के नीचे एक वट के नीचे, देवर्षि नारद उधर से आ रहे, नारद जी को प्रणाम किया देख करके, और दोनों ने एक ही प्रश्न किया कि हम प्रभु का दर्शन चाहते हैं, वो कब दर्शन देंगे। नारद जी गए पूछ दिया,
भगवान ने उत्तर दो दिया और नारद जी को बड़ा विचित्र लगा। कहने लगे बरगद वाले से कह देना कि वट के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक साधना करेगा तब मैं दर्शन दूंगा। नारद जी सोचने लगे इतनी कठोरता की भाषा, महाराज वो इमली के वृक्ष के नीचे वाले से क्या कहूं, उससे भी यही कह देना कि इमली में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। नारद जी सोचने लगे विचित्र गणित है, पत्तों से गणना हो रही है और अगर पत्तों से गणना है तो इमली वाले को भी बट के नीचे बैठना चाहिए था, इमली में इतने छोटे छोटे पत्ते होते हैं। महाराज ये कौन सा गणित, तुम उत्तर दे देना। और जब बट वृक्ष के नीचे वाले उस साधक से मिले, पूछा उसने कब दर्शन देंगे, तब बट में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद। सो तुरंत उसने माला कमंडल फेंका, हो गया, क्या करेंगे ऐसे ईश्वर का दर्शन करके। अरे हम तो समझते थे ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, भक्त और सिद्ध मान के लोग पूजा करेंगे, इतने जन्म में लेता रहूं वो साधना करता रहूं, मुझे नहीं ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है। नारद जी ने सोचा इसकी दशा हुई तो इमली वाले की क्या दशा होगी। और इमली वाले से जब उन्होंने कहा कि भगवान तो कह रहे यही कह रहे हैं कि इमली के पत्ते में, इमली में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद, आनंद में नाचने लगा, कितना मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं तो कल्पना ही नहीं कर पाता था कि कभी दर्शन होगा, पर प्रभु ने एक अवधि तो बता दिया ना, बस बस क्या कहना है, मैं धन्य हो गया, नाचने लगा। पर अगले ही क्षण अनोखा दृश्य था, भगवान सामने प्रकट, उसको हृदय से लगा लिया, उसको धन्य बना दिया भक्त का वरदान दे करके। पर नारद जी के रोष का कोई ठिकाना नहीं, क्या आप मुझे झूठा बनाने के लिए बेगर रहते हैं क्या, मुझसे आपने कह दिया इमली में जितने पत्ते हैं उतने जन, अभी तो एक जन भी नहीं हुआ। भगवान ने हंस करके कहा ये तो एक मेरा शाब्दिक तात्पर्य परीक्षा के लिए था, क्या वस्तुतः जन्म और व्यक्ति के दर्शन का संबंध काल की सीमा से है क्या, ये तो हृदय की उत्कंठा व्याकुलता पाने की अभिलाषा, वस्तुतः वो नकली था, वंचित रह गया। और जिसके हृदय में सचमुच यह एक आकांक्षा विश्वास उत्पन्न हुआ उसको तत्काल दर्शन प्राप्त हो गया। नारद जी प्रसन्न हो गए कि वास्तुतः हनुमान जी का तात्पर्य था कि प्रभु अगर आप 10 मास की गणना करने लगे तो उसका 10 मास का तो कोई अर्थ नहीं, पर जब भक्तों के एक एक कल्प, और यह एक कल्प जो है एक तो वह है जो पुराणों में लिखा हुआ, वो तो कल्प स्वयं पढ़ करके बड़ा लंबा लगता है, ब्रह्मा जी के समग्र आयु का एक पूर्ण है, महाकल्प है, कल्प है, उसके बड़े विभाजन है। और तब हनुमान जी ने कहा प्रभु एक एक निमेश जो है कल्प के समान बेटी थोड़ा, और अब आप बेगी चलिए, अब विलंब मत कीजिए, बेगी चलिए प्रभु आनी अब भुज बल खलगल जीत, जल्दी प्रस्थान कीजिए। और लिखा हुआ सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। यह ईश्वर के आंखों में आंसू आ जाए ऐसा कोई सुचि दिलाने वाला अगर मिल जाए, जिसके आंखों में आंसू तो आता नहीं, नित्य करोड़ों व्यक्ति जन्मते और मरते हैं उसको तो नहीं कोई आंसू आता होगा, का उसको भी आंखों में आंसू आ गया। और तब प्रभु ने सुग्रीव की ओर देखा, बोले अब विलंब के कारण कीजिए, मानो सुध का अर्थ है ऐसी प्रीति, ऐसी व्याकुलता जो ईश्वर को भी व्याकुल बना दे, ऐसा जो सुध तत्व है न सुनाने, ठीक से न सुनाने वाले देवता थे। जब युद्ध में बहुत रावण को मरने में विलंब लगने लगा तो घबरा गए, भगवान राम से कहा प्रभु बहुत दिन हो गया अब विलंब मत कीजिए। प्रभु ने पूछा बड़ा विलंब कहां हो रहा, युद्ध तो अभी थोड़े दिन से, क्या आप लोग बहुत चिंतित हैं। और देवताओं ने कहा कि नहीं महाराज हम उतने चिंतित नहीं, तो आप कह क्यों रहे, अब जनि राम खिलावो यही अतिशय दुखित हो तो वैदे। सीता जी बड़ी दुखी, जब सीता जी का नाम सुना हनुमान जी ने लिया तो रोने लगे, और देवताओं ने जब सीता जी की व्याकुलता का वर्णन किया तो देव वचन सुन प्रभु मुस्काना हंसने लगे, जिसकी सुध सुन करके रोने लगे थे, जब देवताओं जैसा कोई सुनाने वाला हो, नकली तो हंसी आ जाती है, चलो ये भी एक नाटक चल रहा है, मानो यह सुध शब्द, यही गोस्वामी जी ने कहा कि
तुलसीदास जी से माँ ने पूछा, क्या प्रभु तुम्हें नहीं जानते? बोले जानते तो हैं, पर कोई सुधि दिलाने वाला चाहिए और वो सुधि दिला दे आप। कहूं का अम्बा सर पाई मेरी ओ सुधि दियाई भी, और बताने की विधि में बता दिया। आपसे जब आएंगे तो एकांत में आप तो मधुर रस की चर्चा करती होंगी, पर उस दिन कछु करुण कथा चलाए, कोई ऐसी कथा करुणामयी सुनाइए कि प्रभु के आंखों में करुणा आ जाए। और तब पूछेंगे कि क्या बात है, आज इस समय आप करुणा की बात कैसे चला रहे? तो कह दीजिएगा कि महाराज कलयुग में भी आपका एक दास है जो आपके सेवा से किसी तरह से आपका नाम लेकर के पेट भर रहा है। नाम ले भरे उधर प्रभु एक दासी दास कहा है। पूछेंगे कौन है? बोले पूछिए सोहे, पूछिए सोहे कौन, कई भी नाम दशा जन है और सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाए, बगैर सुन लेंगे मेरी बात, आप सुध दिला देंगी तो बस मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा। और हुआ यही, गोस्वामी जी कलयुग में श्री राम की सभा में, श्री राम की सभा में उन्होंने मेरे पत्र का रखा, लक्ष्मण जी ने दे दिया। और लक्ष्मण जी ने जब रखा तो प्रभु ने पत्र पढ़ करके कहा कि इस पत्र में यह लिखा हुआ है। तो भरत जी और हनुमान जी ने दोनों ने कहा कि हाँ महाराज बात तो ठीक है। मारुति रुचि लख भरत की लखन कही, मारुति रुचि लख लखन की, जिस समय देखा उस समय शब्द निकला कल कालो नाथ नाम सो। कलयुग में भी एक तुलसीदास है जो आपके नाम पर भरोसा किए हुए। कल कालो नाथ नाम सो प्रीति रीत एक किंकर की निबही, एक ऐसा किंकर है कि जो आपके नाम के सहारे। प्रभु ने तुरंत मुस्कुरा करके देखा, भरत जी ने कहा सत्य है, हनुमान जी ने कहा सत्य है, और उत्तर में प्रभु ने कहा सुधी हो लही है, मैंने भी सुधी पाया। मानो संकेत सीता जी की ओर था, घबराना नहीं, तुम जिनसे सुध दिलाने के लिए कह चुके थे वो सुध दिला चुके। और गोस्वामी जी कहते फिर भगवान राम परी रघुनाथ के हाथ सही, भगवान ने मेरे उस विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर किया। तो यह जो श्री राम है, यह जो श्री राम जिनके सभा में गोस्वामी जी आज से 400 वर्ष पहले 450 वर्ष पहले जाते हैं, पत्र देते हैं और प्रभु का हस्ताक्षर पाते हैं, वह राम त्रेता युग में ही चले जाने वाले श्री राम तो